वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। और भाई लोग, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अभी पढ़ाई लिखाई चला लो, वरना रिजल्ट के बाद घर वालों की चप्पलें चलेंगी। तो चलो एक लंबी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी फ्रांस की है। वैसे तो ये कहानी नहीं है, एक ड्रामा है, यानी नाटक, या ये कह लो कहानी डायलॉग्स के फॉर्म में है। खैर, मेन बात पे आते हैं। ऐसे चैप्टर से सिर्फ ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक दो मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर तुम्हें स्टोरी ढंग से पता होगी तो हर क्वेश्चन निपट जाएगा। तो नाटक शुरू करते हैं। तो अभी जो सीन है, उसमें जूलियट और उसकी मेड आपस में बातें कर रहे हैं। जूलियट वो है जो अपना विला बेचना चाहती है, विला यानी घर। तो मेड जूलियट से कहती है, आपको बुरा नहीं लग रहा कि आपको अपना विला बेचना पड़ रहा है? तो जूलियट बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, पर अगर कोई मेरा विला उसी दिन खरीद लेता जिस दिन मैंने ये विला सेल पे लगाया था, तब मुझे लगता मैं कितनी बड़ी पागल हूं जो मैंने अपना विला बेच दिया। पर अब एक महीना हो गया है और कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी पागल थी जो मैंने ये विला खरीदा। इससे पता चलता है कि जूलियट कितनी बुरी तरीके से विला को बेचना चाहती थी। फिर जूलियट मेड को विला के रेट बताने लगती है, जैसे मेड बड़ा विला खरीदने वाली है। वो बताती है कि वो विला के 200,000 फ्रैंक्स चाहती है, पर 100,000 फ्रैंक से कम में नहीं बेचेगी, और वैसे उसने खुद 50,000 फ्रैंक्स में वो विला खरीदा था। और जो सोच रहे हैं ये फ्रैंक्स क्या होता है, तो भाई ये फ्रांस की करेंसी है। फिर जूलियट मेड से पूछती है कि वो लेडी विला के बारे में बात करने कब आएगी। तो मेड बताती है, 4 से 5 बजे के बीच। फिर मेड पूछती है, क्या ये विला बेचने का सही टाइम है? तो जूलियट कहती है, शायद नहीं, पर अभी मुझे पैसों की जरूरत है। हद हो जाएगी अगर मैं अपना विला जॉइनविली के पास होने के बाद भी नहीं बेच पाई। उसका विला जॉइनविली के पास था। जॉइनविली फ्रांस की एक जगह है जिसे फ्रेंच हॉलीवुड भी कहते हैं। यहां फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है। फिर मेड कहती है, मुझे जॉइनविली से कुछ याद आया, क्या आप मुझे कल 9 से 12 बजे तक की छुट्टी दे सकती हैं? जूलियट पूछती है, पर क्यों? तो मेड बताती है, जॉइनविली स्टूडियो में एक फिल्म की शूटिंग हो रही है और मुझे उसमें एक छोटा सा रोल मिला है। जूलियट हैरान हो जाती है, पूछती है, तुझे तुझे किसका रोल मिल गया? तो वो बताती है, मुझे मेड का रोल मिला है। उनका मानना है कि एक मेड का रोल एक मेड से बढ़िया कौन कर सकता है। वो मुझे एक दिन के 100 फ्रैंक्स दे रहे हैं। जूलियट तो 100 फ्रैंक सुनकर बावली हो जाती है, वो हैरान रह जाती है। मेड बताती है, आप मुझे महीने के 400 देती हैं और वो मुझे एक दिन के 100 दे रहे हैं, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। मुझे तो लग रहा है थोड़े दिनों बाद जूलियट मेड के घर पर मेड का काम करेगी। फिर मेड पूछती है, उन्हें फिल्म में कुक की भी जरूरत है, कहूं तो आपकी बात चलवाऊं? जूलियट कहती है, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। बताओ यार, ये फिल्म का रोल ठुकरा रही है और हम स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक डायलॉग मिल जाने के लिए तरस जाते हैं। फिर घर की घंटी बजती है।
जूलियट मेड से बोलती है, मैं ऊपर जा रही हूं, वो लेडी हो तो उसे कहना मैं थोड़ी देर में आऊंगी, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं बिल्कुल वेली हूं। मेड दरवाजा खोलती है, कोई लेडी तो थी नहीं, पर दो लोग थे, गैस्टन और जीन। ये दोनों पति पत्नी थे और यहां विला खरीदने आए थे। तो आगे देखते हैं क्या इन्हें विला पसंद आता है या नहीं। यार बहुत गर्मी हो रही है, चलो बढ़िया है, मैं बाहर जाके नींबू पानी का स्टॉल लगाता हूँ और थोड़ा सा कैश कमाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।